बड़ी खबर रायबरेली से, जहां प्रेमिका से मिलने घर गए युवक को लड़की के परिजनों ने कमरे में बंद करके पेट्रोल डालकर जिंदा फूंका। जब प्रेमी जलने लगा तो घर का दरवाजा खोलकर उसको भगा दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल अंकित मिश्रा के बड़े भाई अरूप मिश्रा ने आरोप लगाया कि गांव के 5 लोग आंसू मिश्रा, केशव मिश्रा, नमन मिश्रा, नीरू मिश्रा, कमलाकांत मिश्रा ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। घायल जले हुए प्रेमी की पहचान अंकित मिश्रा निवासी मूसापुर गांव के रूप में हुई। घटना सैरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूसापुर गांव की है। संवाददाता श्रवण कुमार, रायबरेली। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। क्या मामला है, क्या है पूरी घटना? मेरे गांव की एक लड़की है, मेरा भाई है, उससे प्यार और करता था। वो मिलने के लिए उसके घर गया, उसके घर वालों ने देख लिया, उसको मारा भी रात में, वो पेट्रोल डाल के जलाया भी। तो इसकी शिकायत किसी से किया भी जी? हम अकेले आदमी, हम कहाँ करें जाके, हम किसको लेके सीधे यहाँ भाग गए। कौन कौन लोग जलाए हैं? नीलू मिश्रा, योगेश चंद मिश्रा उर्फ नीलू मिश्रा, योगेश चंद मिश्रा और बबलू मिश्रा, केशव मिश्रा और नमन मिश्रा और आशुतोष मिश्रा उर्फ आंसू। और कम हमारा नाम रानू है। कहाँ, गांव कौन सा है? गांव हमारा नहीं, या यहाँ पे मूसापुर। क्या घटना हुई है आज? मतलब हमारा भाई बहुत जल गया है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम अंकित है। कब जला है? कंडीशन बहुत खराब है। कब जला है? परसों रात को जला है। कल की रात को जो उधर मतलब जला है। नहीं, कौन जला है? यहाँ घर पे जला है, कोई दूसरा जला है? गांव कोई बाहर है, बाहर हुआ है सब कुछ, घर पे कुछ नहीं हुआ। गांव के ही रहने वाले हैं वो लोग? हाँ। आप लोगों को कैसे मालूम चला? वो जब रोने लगा वो चिल्लाए बहुत तेज से, पूरा मतलब एकदम नग्न हालत में खड़ा था वो। अच्छा। हाँ, एकदम नंगा था वो, 25 साल का लड़का, मतलब इतना रो रहा था कि हमको बचा लो दीदी, हम जिंदा लौटब कि ना लौटब। अरे, किसी को शंका है आपको, कौन ऐसा कर सकता है? नहीं सर, वो नहीं पता, वही बताएगा आपको, वही गांव के ही लोग है। उसको बुलाया गया तब उसके साथ ऐसा किया गया है। उसकी हालत बहुत खराब है, इतनी सुबह कौन कौन बुलाया ये नहीं जानते, हमको ये नहीं पता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है इतनी टाइम। जिला हॉस्पिटल में? अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, बेलाल में, रायबरेली में। यहाँ से तुरंत रिफर कर दिया उसको।